हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर डेली व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले सर्दियों के लिए मेथी के लड्डू। मेथी के लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए। तो चलिए बनाते मेथी के लड्डू। मेथी लिए मैंने 500 ग्राम, मेथी दाने लिए मैंने। अब इन मेथी दाने को अच्छे से पीस लेंगे मिक्सर में। और ये मेथी दाने का पाउडर हो चुका है, अब इसको हम पीस लेंगे। ये लड्डू इस तरीके से बनाने से कड़वे नहीं लगते हैं और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। हम इस पाउडर को छन्नी से छान लेंगे। अब इसको हम एक रात के लिए दूध में सोक कर लेंगे। अच्छे से मिला देंगे दूध में इस पाउडर को मेथी दाने के। और ढक देंगे इसे। और ये हमारे मेथी दाने का पाउडर एकदम दूध में हो चुका है एक रात सोक करने के बाद। अब हम लड्डू बनाएंगे। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बादाम लिए, 500 ग्राम काजू लिए, गोंद लिया है 500 ग्राम, गोंद आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। मैंने पिस्ता लिए हैं, साबुत पिस्ता लिए हैं 100 ग्राम, किशमिश लिए है 100 ग्राम, छुआरे लिए मैंने 100 ग्राम, छुआरे ऑप्शनल है, मगज के बीज लिए मैंने 25 ग्राम, खसखस के दाने लिए मैंने 25 ग्राम, गुड़ लिया है मैंने 500 ग्राम, और गेहूं का आटा लिया है। और मैंने देसी घी यूज किया है, यह हम बनाते टाइम लगेगा हमें देसी घी। हम अब थोड़ा सा घी डालेंगे और बादाम को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे घी में। और ये हमारी बादाम फ्राई हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे और ठंडी कर लेंगे। अब काजू को भी हम उसी घी में फ्राई कर लेंगे, काजू को भी निकाल लेंगे और इन सब को हम दरदरा पीस लेंगे। किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे घी में। और किशमिश भी फ्राई हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे। अब मगज के बीज को भी फ्राई कर लेंगे घी में, खसखस को भी, ये देखिए खसखस हमारा फ्राई हो रहा है। अब इसमें हमने छुआरे को बीच अलग करके इसे पीस लिया है दरदरा, और खसखस में मिला देंगे और इसे भी 30 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेंगे और इनको भी निकाल देंगे। मैंने किशमिश और खसखस के बीज और मगज के बीज, खसखस के दाने, इनको एक ही में रखा है। अब सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे
और खोपरे को भी अच्छे से भून लेंगे घी में हल्का सा। खोपरा भी हमारा हो चुका है, इसको भी निकाल लेंगे हम। अब सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा घी और डालेंगे और गोंद को हम फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और ये गोंद हमारा हो चुका है, अब इसको भी निकाल लेंगे हम। गोंद को एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, सब गोंद को हम फ्राई कर लेंगे। हमें ज्यादा नहीं डालना है गोंद, एक बार में बस थोड़ा सा डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके निकालना है और फिर वापस इसी तरीके से फ्राई करना है। इस तरीके से ये देखिए हमारा गोंद हो चुका है फ्राई। अब इसको निकाल लेंगे और सेम उसी कढ़ाई में अब थोड़ा सा घी और डालेंगे और अब आटे को भून लेंगे अच्छे से। आटे को हम अच्छे से सेक लेंगे, जब तक हमारा आटे में से घी नहीं निकलता है, घी सेपरेट हो जाएगा तब तक हम सेकेंगे। ये हमारा भुनने लगा है आटा, और ये देखिए हमारा आटा हो चुका है। हम मीडियम फ्लेम पर इसे सेकेंगे आटे को भी। अब इसमें हम मेथी दाने को जो हमने रात भर सोक करके रखा था, मेथी दाने के पाउडर को दूध में वो डाल देंगे और इसे भी 7 से 8 मिनट के लिए अच्छे से आटे के साथ भून लेंगे। चलाते रहेंगे ताकि तले से ना लगे। हमारा ये मिक्सचर मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे, भूनते रहेंगे और बहुत ही अच्छी स्मेल आने लग जाती है इस टाइम पर। चलाते रहेंगे हम। ये मिक्सचर हमारा हो चुका है, भून चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें गुड़ मिला देंगे। हमारा आटा और ये गर्म होता है इसलिए गुड़ पिघल जाता है। अब इसमें खोपरा मिला देंगे अच्छे से, मिक्स कर लेंगे अच्छे से, चला लेंगे। और ये हमारे खसखस, छुआरे और मगज के बीज, किशमिश, इन सबको भी डाल देंगे। काजू दरदरा पिसा हुआ, बादाम भी दरदरा पिसा हुआ, और ये हमारे साबुत हमने पिस्ता लिए थे उसको भी अच्छे दरदरा पिसा हुआ डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा आधा गूंद हम अभी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और आधे गूंद को हम कटोरी की हेल्प से इस तरीके से दबा लेंगे ताकि वो अच्छे से हो जाए गूंद, और अच्छे से इनको मिला देंगे। और ये हम किसी और बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इनके इस मिक्सचर के हम लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं, सर्दी में खाने वाले ये लड्डू आप किसी भी एज के लोग खा सकते हैं। और ये लड्डू बहुत ही हेल्दी होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए। सर्दी में खाने वाले मेथी के लड्डू है। इस तरीके से बनाओगे तो आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे ये लड्डू, और बहुत हेल्दी होते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, सबके लिए।
और अच्छे भी लगते हैं इस तरीके से लड्डू बनाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन को टैप करना ना भूलो, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।